हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके कंसाइज क्लास में हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन 3 जातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्यों इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो पहला बिंदु है कि इनका जो कृषि करने का तरीका है वो काफ़ी पुराना है। इनकी साक्षरता दर काफ़ी कम है, मतलब ये बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हैं। दूरस्थ स्थानों पर इनका निवास स्थान है और साथ ही इनकी सबसे बड़ा रीज़न है इनकी घटती हुई जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या। इनकी जनसंख्या में कोई वृद्धि ना होना ही विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक जनजाति पर आधारित एक वीडियो बनाया है जो कि विशेष रूप से भील और गोंड जनजाति पर आधारित है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बैगा जनजाति एक आदिम जनजाति है जिन्हें हम द्रविड़ जाति से भी संबंधित कह सकते हैं। ये कोल या मुंडा वर्ग की आदिम जाति है। बैगा में भारिया बैगा होते हैं जिन्हें हम पुरोहित या पांडा के नाम से जानते हैं, और बैगा पुरोहित को बेबाद भी कहा जाता है। बैगा को भूमिया जनजाति की शाखा माना जाता है। भूमिया का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी से संबंधित, उसी जनजाति का ये हिस्सा होते हैं। और भारिया बैगा जो होते हैं उन्हें हिंदू पुरोहितों के समान दर्जा प्राप्त है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें इनका निवास स्थान देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी अंचलों में तथा पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल पर्वत की उत्तिकाओं में पाए जाते हैं। विशेष रूप से ये बैगाचक जो कि डिंडोरी एवं मंडला के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं अगर गढ़ी चादर की बात की जाए तो ये शहडोल क्षेत्र में है। ये क्षेत्र इन्हें कृषि भूमि, कृषि करने के लिए भूमि आवंटित की गई है सरकार द्वारा। इसे आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी अंचलों में पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल पर्वत की उत्तिकाओं में कहां पर पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों का विस्तार है। पहला है आपका बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, जहाँ पर आपका गढ़ी चादर है। वहीं अगर डिंडोरी की बात करी जाए तो वहाँ पर आपका बैगाचक क्षेत्र है। और इधर बात करें तो सीधी और सिंगरौली में इनका निवास स्थान पाया जाता है। बैगाओं के सामाजिक जीवन की बात करी जाए तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं और संयुक्त परिवार में रहने की इनके यहाँ प्रथा है। सामाजिक रीति रिवाजों के परिपालन में पुरुषों की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। इनमें बासी भोजन खाने की परंपरा है तथा समगोत्री विवाह वर्जित है। इनमें भोजन के अलग अलग नाम हैं, जैसे बासी तो सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है, बासी। वही पेज दोपहर के भोजन को कहते हैं, जो कि मोटे अनाज कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से मिलकर बनता है तथा नमक का घोल पीना पसंद करते हैं। ये दोपहर के खाने में, जिसे क्या कहा जाता है, पेज कहते हैं। वही रात के खाने को या शाम के खाने को ये बियारी का नाम देते हैं। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि भूमि पर, कृषि पर आधारित होते हैं। इनकी कृषि को पोंडो कृषि कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। ये कुशल शिकारी होते हैं। बैगाचक एवं गढ़ी चादर क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा आवंटित भूमि है। ये लोग मुख्यतः झूम कृषि करते हैं जिसमें ये मोटे अनाज उगाते हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ऐसे अनाज इनके द्वारा उगाए जाते हैं। इनके यहाँ एक परंपरा है कि ये पृथ्वी को माता स्वरूप मानते हैं और इस पर हल नहीं चलाते हैं। इस कारण से ये बैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु कुछ बैगा ऐसे हैं बैल को उधार लेकर के कृषि करते हैं। ऐसी कृषि को हम पोडा प्रथा कहते हैं। इस प्रथा में बैलों को उधार लेकर कृषि किया जाता है। बैगाओं की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करी जाए तो बैगा एक कलाप्रिय जनजाति होते हैं। ये जनजाति सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और रंग का अलंकरण किया जाता है। साथ ही ये सुअर पूजक होते हैं, जो कि 12 वर्षों में एक बार बैगाओं द्वारा मनाया गया उत्सव होता है। इसे सुअर बजी समारोह कहा जाता है। सुअर बजी समारोह
12 साल में बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बैगा जनजाति में प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव तथा दूल्हा देव होते हैं, जो कि क्रमशः इसमें साल के वृक्ष में निवास करते हैं और वे बहुत ही पूजनीय होते हैं। ठाकुर देव गांव में भूमि के देवता होते हैं और दूल्हा देव रोगों से बचाव करते हैं। यही प्रमुख देवता गुणों के भी प्रमुख देवता हैं। ये उनकी ही उपजाति मानी जाती है, इस कारण से दोनों के देवताओं को कॉमन रखा गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखने में इजी होगा कि गुण जनजाति के भी देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव तथा दूल्हा देव हैं। वहीं पर बैगा जनजाति के भी प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव तथा दूल्हा देव हैं। आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का एक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बैगा जनजाति में प्रमुख व्यक्ति प्रधान होते हैं, जिन्हें मुखिया भी कहा जाता है, और इनकी मूर्तियां देवस्थान में रखने का इनके यहाँ रिवाज है। कोटवार जो होते हैं वो गांव की रक्षा करते हैं। ओझा को औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है तथा जड़ी बूटियों का भी इनको विशेष नॉलेज होता है, इस कारण से ये उपचार का भी काम करते हैं, साथ ही तंत्र मंत्र विद्या का भी ये काम करते हैं। विवाह स्वरूप की बात करी जाए तो इनमें संगोत्री विवाह वर्जित है, विधवा विवाह का प्रचलन है एवं वधू मूल्य का भी प्रचलन है, किंतु बाल विवाह वर्जित है। विवाह के कुछ रूप हैं जो कि मंगनी या चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पैठुल विवाह, कई बुक्स में आपको या कई वीडियो में आपको ये पैतुल विवाह भी मिलेगा, एवं उधारिया विवाह। बैगा जनजातियों की उपजातियों के बारे में अगर देखा जाए तो बैगा जनजाति बिंजवार, नरोतिया, रैमना, भरोतिया, गोंडवेवा, कथमैना या कठमैना, गोडवान, कुंदी, निम्न इनकी उपजातियां हैं, जिनमें से बिंजवार, इन्हें बड़े जमींदार भी कहा जाता है तथा इन्हें राजवंशी होने की महत्ता भी प्राप्त है। साथ ही प्रमुख नृत्य की बात करी जाए तो कर्मा, जिसमें ये अपने जितना भी इनका कार्य होता है इसे नृत्य गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इसी कारण इस गीत को कर्मा कहा जाता है। और इसकी शुरुआत विजयदशमी से प्रारंभ होकर के नए वर्ष तक चलती रहती है। साथ ही इनमें एक परध्वनि नृत्य भी होता है। मंडला में बैगाओं का एक छोटा समूह होता है जिसे भारिया बैगा कहते हैं, और भारिया बैगा को हिंदू पुरोहित होने का दर्जा प्राप्त है। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, जैसे बैगा जनजाति सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। बैगाओं के गांव का नाम पूर्वा, पूर्वा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वा किस जनजाति से संबंधित है या इसका अर्थ क्या है, तो इसमें आप बैगा से संबंधित है तथा उनके गाँव का नाम पूर्वा होता है। बैगा जनजाति में मृतकों को प्रायः दफनाया जाता है, परंतु अगर गांव के कोई वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं या सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं तो उनका सम्मान स्वरूप दाह संस्कार करने की प्रक्रिया भी है। इन्हें धरती पुत्र या पिछवार कहकर भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन में आपको ये धरती पुत्र या पिछवार से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसी की टर्मिनोलॉजी आपकी धरती पुत्र और पिछवार के साथ भी एड करके क्वेश्चन में आ सकती है। नेक्स्ट जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की उन जनजातियों में से एक है जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी है और अपनी आदिमता को की अंतिम पहचान की स्थिति में है। सहरिया कोलोरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति मानी जाती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति तट शहर से हुई है। सहरिया जनजाति की धार्मिक परंपराएं हिंदू रीति रिवाज की तरह ही है। सहरिया अपने को भीलों का छोटा भाई कहलाने में बहुत ही सम्मानजनक महसूस करते हैं। इनका निवास स्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा विशेष रूप से शाहबाद का जंगल में पाया जाता है, और इनका प्रमुख स्थान ग्वालियर के संभाग में मुख्य रूप से इनका स्थान है। इनमें जो कि आपका मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं गुना है, तथा शाहबाद के जंगल की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत विदिशा तथा रायसेन में इनका निवास स्थान पाया गया है। सहरियों के रहने के स्थान को सहराना कहा जाता है, तथा इनकी सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो परिवार में एक मुखिया होता है। सहराना का मुखिया पटेल होता है। पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है।
इनके परिवार को कुटुंब भी कहा जाता है। शहरीय जनजाति को आलसी जनजाति भी माना जाता है। एक तो ये कुछ काम करना पसंद नहीं करते हैं, साथ ही ये शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं। शहरीय जनजाति के जीविकोपार्जन की बात करी जाए तो ये कृषि, मजदूरी और वनोपज संग्रह करके, जड़ी बूटियों का संग्रह करके ये अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं तथा उन्हीं जड़ी बूटियों को बेच करके ये आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। शहरीय जनजाति सांस्कृतिक दृष्टि से काफी संपन्न है। शहरियों के लोक गीत, कथाएं, पहेलियां एवं कहावतें उनकी लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी हैं। लोक कथा में इनके यहाँ कथात्मक पहेलियां, गोट लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, ख्याल आदि प्रसिद्ध हैं। वहीं अगर प्रमुख गीत की बात करी जाए तो शहरियों का प्रमुख गीत गारी, ख्याल, लंगुरिया, फागट, सिया, बाजना गीत है। नृत्य इनके यहाँ दुलदुल घोड़ी, तेजाजी एवं लहंगी जैसे नृत्य होते हैं। लहंगी नृत्य यह सावन माह में रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाने वाला नृत्य होता है, जिसमें बांस की टोकरी में उगे ज्वारों का चल समारोह होता है। इसमें पुरुष वर्ग एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं एवं इनके प्रमुख देवता सीता जी, दुर्गा एवं भैरव होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सहरिया जनजाति की धार्मिक परंपराएं हिंदू रीति रिवाजों से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। इनके प्रमुख त्योहार भी हिंदू रीति रिवाज के तरह ही हैं, जैसे दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि एवं मकर संक्रांति जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनके यहाँ प्रमुख व्यक्ति को पटेल कहा जाता है, जो कि पंचायत का मुखिया होता है एवं अन्य सदस्य कोटवार, छोपा, बराई, अधनारिया भी होते हैं। ऋणग्रस्तता के कारण इन्हें बहुत ही मजदूरी करनी पड़ती है और जो भी चंबल क्षेत्र है इसमें अधिकतर जनजाति अब बंधुआ मजदूर बन गई है और साथ ही इनमें एक क्षय रोग की भी दशा पाई गई है। ये अत्यंत ही सीधी जनजाति कही जाती है और ये जो चंबल क्षेत्र में इनका निवास स्थान है ये बहुत ही कम मात्रा में है। अब वहाँ जैसे भिंड जो है वो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम संख्या में जनजातियों का निवास स्थान पाया जाता है, तो वहीं पर सहरियाओं का ये चंबल क्षेत्र पूरा सहरिया से संबंधित है। अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में सहरियाओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट, विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया की बात करी जाए तो ये द्रविड़ियन या कोलोरियन समूह की जनजाति होती है। भारिया का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। भारिया को भूमिया नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बैगा में भी बताया कि ये भूमिया की ही उपजातियां मानी जाती हैं। इनके निवास स्थान की बात करी जाए तो मुख्यतः ये जबलपुर, छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा के तमिया विकास खंड के पाताल कोटा का क्षेत्र हमेशा ही ऊपर के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पातालकोट सामान्य जमीन से काफी नीचे का क्षेत्र है जहाँ पर इन भारिया जनजाति का विशेष रूप से निवास स्थान पाया जाता है और सर्वाधिक जनसंख्या की बात करी जाए तो ये जबलपुर में सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। भारिया की सामाजिक विशेषता देखी जाए तो ये रूढ़िवादी होते हैं। भारिया के मुखिया को पटेल कहा जाता है। भूमका, पढ़हार और कोटवार समाज के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, भारिया अपने आप को कर्ण देव का पूर्वज मानते हैं। इनमें समगोत्री विवाह का प्रचलन नहीं होता है तथा भारिया समाज गोत्र चिन्ह पर आधारित होता है। भारिया में विवाह की विभिन्न रीतियां प्रचलित हैं, जैसे मंगनी एवं बारात विवाह, लमसेना प्रथा, राजीबाजी विवाह और विधवा विवाह। विधवा विवाह में देवर से शादी कराई जाती है। भारिया की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करी जाए तो भारिया की कला परंपरा में नृत्य, संगीत के साथ साथ चित्रकला एवं शिल्प भी शामिल होता है। इनमें वाचिका परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। गीत, कथा, पहेलियों का इन लोगों के पास भंडार है। इनमें भड़म और सतम जो कि प्रमुख नृत्य माने गए हैं और इसके साथ ही कर्मा तथा सैला और अहिरियाई भी हैं। भड़म और सतम भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य माने गए हैं। प्रमुख पर्व की बात करें तो ये सहरिया जनजाति की ही तरीके से दीपावली, होली, साथ में बिदरी पूजा, नवा खाने और जवारा त्योहार भी मनाते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव एवं बरुआ और नागदेव।
साथ ही इनके की अगर जातीय देवताओं की बात करी जाए तो बड़ा देव इनमें विशेष रूप से हैं। बोचेश्वर, मुठवा और भीमसेना इनके प्रमुख जातीय देवता हैं। ध्यान रखिएगा, बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नाग देव ये आपके प्रमुख देवता हैं। साथ ही अगर जातीय देवता की बात करी जाए तो बड़ा देव, बछेश्वर, मुठवा तथा भीमसेना इनके प्रमुख जातीय देवता हैं। आर्थिक विशेषताओं की बात करी जाए तो भारी जनजाति कृषि कार्य में बहुत ही कुशल होते हैं और इनके द्वारा की गई कृषि को हम दाहिया खेती भी कहते हैं। आज की स्थिति पे अब ये स्थायी खेती भी करने लगे हैं। जड़ी बूटियों का संग्रह इनका पारंपरिक आर्थिक स्रोत रहा है। वहीं झाड़ू बनाने से भी इनका जीविकोपार्जन चलता है। बांस की बनी हुई सामग्री और छिंद पत्तियों तथा बाहरी घास से झाड़ू बनाना भी इनकी जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रंगबंग भारिया में युवा के रहने का स्थान जाना जाता है। ढाना, भारिया में रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? ढाना। याद रखिएगा, रंगबंग युवाओं के रहने का स्थान है और ढाना भारिया के पूरी जाति, जहाँ पे भारिया जनजाति ही पूरी रहती है, उस पूरे स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो है ढाना। भरनोटी भारिया जनजाति की बोली है। भारिया जनजाति की क्या है? बोली है। भारे जनजाति में चूड़ी प्रथा का भी महत्वपूर्ण प्रचलन है। मुख्य भोजन की बात करी जाए तो पेज, विशेष रूप से किसमें? वर्षा ऋतु में महुआ और आम के बीज की रोटी खाना पसंद करते हैं। पेज जो है वो मोटे अनाज से मिलकर बना होता है, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा आदि ऐसे मोटे अनाज आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का भी बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।